नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आप सभी को हिंदू नववर्ष, नवरात्र और गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त हो गया है बड़ी बहस का, हम बड़ी बहस शुरू करें। उससे पहले इसमें शामिल सभी मेहमानों से एबीपी न्यूज गुजारिश करना चाहेगा, कृपया ध्यान दें, एबीपी न्यूज पर मेहमानों से ये गुजारिश है कि वो मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें। ऐसी बात ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, क्योंकि हमारा मकसद चर्चा करना है, शोर मचाना नहीं। उम्मीद की जाती है कि सभी मेहमान शिष्टाचार से अपनी बात रखेंगे। बड़ी बहस में आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस और वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। आज बहस का मुद्दा यह होने वाला है कि क्या राहुल गांधी 2019 के चुनाव के लिए तैयार हैं। राहुल ने आज ये कहा कि जो लड़ाई होने वाली है वो कौरवों और पांडवों के बीच है। लाइक द कौरव्स, द बीजेपी एंड द आरएसएस आर डिजाइन टू फाइट फॉर पावर। लाइक द पांडव्स, द कांग्रेस इज डिजाइन टू फाइट फॉर द ट्रूथ। द पीपल ऑफ दिस कंट्री will accept a lying BJP leadership drunk with power because they know that is what the BJP is designed for। दरअसल आज कांग्रेस महाधिवेशन के समापन भाषण में राहुल गांधी बोल रहे थे। आपने देखा कि उनका बहुत अलग तेवर दिखाई दिया। बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर उन्होंने बड़े आक्रामक होकर हमला किया और सबसे बड़ा आरोप उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर लगा दिया और कहा कि मोदी सरनेम देश में इस वक्त भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। हम आज राहुल के एक एक वार पर सवाल करेंगे और इससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी वाकई में 2019 के लिए तैयार हैं, क्या उनकी पार्टी तैयार है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष का नेता राहुल बन सकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, बीजेपी से हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका संबित। उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। आरएसएस विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है रशीद जी आपका भी। सबसे पहले संबित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा आरोप, ऐसे तो बहुत बातें कही हैं, एक एक करके हम उन सब बातों पर आएंगे, लेकिन ऐसा लगा कि आज राहुल गांधी जब कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं को संबोधित कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि मोदी सरकार की 4 साल की सबसे बड़ी देन देश को ये है कि आज की तारीख में मोदी सरनेम भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे लगता है पहले तो मैं राहुल जी को याद दिला दूं कि 21 अप्रैल 2018 मतलब लगभग आज से एक महीने के बाद दोनों राहुल जी और उनकी माताश्री आदरणीय सोनिया जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने बुलाया है, समन किया है कि आप आइए और अपनी सफाई दीजिए, क्यों आपने 5,000 करोड़ रुपए देश का नेशनल हेराल्ड केस में गबन किया है। तो मुझे लगता है जो लोग बेल पे बाहर हैं और जिनको एक महीने के बाद कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना है, वो इस प्रकार मोदी सरनेम अर्थात एक जातिवादी, एक सरनेम और एक गुजरात के प्राइड के नेम को लेकर इस प्रकार की राजनीति ना करें। उसी लॉजिक पे कि मोदी सरनेम मतलब करप्शन, क्योंकि ललित का नाम मोदी था, नीरव का नाम मोदी था, तो मैं पूछना चाहता हूं, सम्मान से पूछना चाहता हूं, एक इंडियन क्रिकेटर हुए राहुल शर्मा, जिनके ड्रग के केस में जिनको बाहर निकाला गया, तो क्या राहुल सरनेम मतलब हम ड्रग के साथ इक्वेट कर दें? क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट राहुल था तो ये राहुल भी ड्रग एडिक्ट, राहुल मींस ड्रग एडिक्ट, क्या ये उचित होगा ऐसा कहना? मुझे लगता है इस प्रकार के छिछले कमेंट से राहुल गांधी को बचना चाहिए। ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी का गुजरातियों के प्रति, गुजरात के एक सरनेम के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। और इसीलिए जब मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मोदी नीच हैं और जब इनके खुद के ट्विटर हैंडल कहते हैं तुम जाके चाय बेचो, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी मुस्कुराते हैं, जवाब देगी। शोभा ओझा जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी। संबित पात्रा इससे सीधे सीधे गुजराती अस्मिता के साथ जुड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी करके कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है? देखिए, जब नीरव मोदी की बात आए, चाहे ललित मोदी की बात आए, सब जानते हैं कि किसके संरक्षण में ये इतना सारा पैसा खा के
जो खून पसीने की कमाई है इस देश के नागरिकों की, वो खाके किसके संरक्षण में ये भागे हैं। तो वहां मोदी जी का जिक्र आता है, प्रधानमंत्री का जिक्र आता है कि आखिर उनके संरक्षण में ये दो इंसान जिन्होंने इस कदर पैसा लूटा है और वो सेफ एग्जिट उनको हिंदुस्तान से मिल गया, देश ठगा रह गया, बैंकिंग सिस्टम चरमरा गई। तो यहाँ नरेंद्र मोदी का जो कॉकस, जो नेक्सस नजर आता है कि किस तरह से उनके संरक्षण में ये लोग भागे। तो शोभा जी, क्या आप उसे मोदी सरनेम के साथ जोड़ देंगे? देश का हर नागरिक, इस देश में कई गांधी होंगे, इस देश में कई मोदी होंगे, क्या राजनीतिक बार प्रत्यारोप में के साथ हम जोड़ा? उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा है, उन्होंने कोई एक्स वाई जेड मोदी के साथ नहीं जोड़ा है, उन्होंने सीधे सीधे इन दोनों मोदियों को प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा है। क्यों संबित, आप क्यों नहीं सहमत हो रहे? शोभा ओझा कह रही है कि सीधे प्रधानमंत्री को अकाउंटेबल ठहराया है, सीधे प्रधानमंत्री उनके दरवाजे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधी है राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है। देश में एक किसान, एक गरीब जब लोन लेता है तो वो लोन रीपे नहीं कर पाता है, तो उसको आप उसके घर जवाब दे सकता हूँ, उसको जेल में डालते हैं, उसका पूरा घर समेट के ले जाते हैं, उसको आत्महत्या करने के बाद कर देते हैं। आप जवाब ले लेते हैं, आपने कॉन्टेक्स्ट में डाला उस बात को, अब संबित उसका जवाब देंगे, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। जी संबित जी, देखिए नेहा जी, जब प्रश्न भी आपने पूछा, आपने भी मोदी सरनेम पूछा, मैंने भी अपना आज एक घंटा व्यय करके राहुल गांधी जी के उस स्पीच को सुना, क्योंकि पार्टी का प्रवक्ता हूं, ना चाहते हुए भी सुनना पड़ेगा, हम सब ने सुना है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मोदी सरनेम, जिन जिन का नाम मोदी है देश में वो सब करप्ट हैं, यही कहा ना, तभी तो आपने प्रश्न मुझे मोदी सरनेम पे पूछा। देखिए आप कोई भी प्रश्न लोकतांत्रिक देश में पूछ सकते हैं, मगर इस प्रकार का चयन कि मोदी सरनेम मतलब करप्ट होता है, तभी तो मैंने कहा। देखिए यहाँ हल्ला मचाना मना है, ये ऐसा आया था, वार्निंग आया था, ने एबीपी न्यूज ने वार्निंग दिया था कि हल्ला ना मचाए, ऐसा वार्निंग मैंने कह दिया, उन्हें अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अगर मैं, तभी तो मैं कह रहा हूं, हाँ तभी तो मैंने कहा कि देखिए इस प्रकार से राहुल गांधी जो अपने अपने विषयों को ही ढंग से नहीं रख पाते हैं, कि बेचारी मेरी बहन शोभा जी को आके यहाँ समझाना पड़ता है कि राहुल जी क्या चाहते हैं, अब हम समझेंगे कैसे? मतलब पहले राहुल जी भाषण देंगे, फिर शोभा जी आके समझाएंगे। मैं आप दोनों का रुख करूंगी, लेकिन आज राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी सरनेम को लेकर बात नहीं की, कई और मुद्दों पर प्रहार किए हैं, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने आज निशाने पर लिया, हम सुनाते हैं आपको कि राहुल गांधी ने दरअसल क्या कहा। मोदी हु कैरिड आउट इंडियाज बिगेस्ट थेफ्ट हैज द सेम नेम as our Prime Minister. It's interesting. It's an interesting fact. There's more. The most corrupt man in cricket also shares the same name with our Prime Minister. So what does Modi actually mean? What does Modi actually mean? The name Modi symbolizes the collusion between India's biggest crony capitalists and the Prime Minister of India. Modi gives Modi 30,000 crores of your money, and in turn, Modi gives Modi money for marketing Modi and winning elections. तो अब दर्शकों ने भी सुना कि राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या। प्रोफेसर राकेश सिन्हा मेरे साथ है, वैसे तो आरएसएस को भी आज निशाने पर लिया है प्रोफेसर राकेश सिन्हा, मैं उस पर आगे आऊंगी, लेकिन मुझे ये बताइए आज राहुल गांधी का जो भाषण रहा उसके बाद सवाल उठ रहा है कि आज जिस तरह कार्यकर्ताओं में वो जान फूंक रहे थे, उनका काम भी है अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना, लेकिन 2019 के लिए खुद राहुल गांधी क्या तैयार दिखाई दे रहे हैं? उन्होंने रोजगार की बात की, किसान की बात की, शिक्षा की बात की, युवाओं की बात की, और उन्होंने कहा इन सभी मोर्चों पर मोदी सरकार फेल रही है। देखिए नेहा जी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कार्यक्रम के शुरुआत में नव वर्ष और गुड़ी पड़वा की बधाई दी देश के लोगों को, एक अच्छी शुरुआत है, और मैं एबीपी न्यूज का अभिनंदन करता हूं कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो हमारा कैलेंडर है उसको एक प्रकार की उसका सम्मान दिया। मैं आगे आता हूं, देखिए किसी भी व्यक्ति को, चाहे मैं हूं या राहुल जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, कोई भी पार्टी का नेता हो या बुद्धिजीवी हो, किसी भी जाति सूचक सरनेम को
जनरलाइज करके एब्यूजिव नहीं बनाना चाहिए। आप ये बताइए नेहा जी, एक पांचवी क्लास से पढ़ने वाला मोदी सरनेम का बच्चा यह भाषा सुनकर अपने पिता से क्या कहेगा? उसको क्लास में बच्चे क्या कहेंगे, तुम्हारे पिता भ्रष्ट हैं? नरेंद्र मोदी जी की जितनी आलोचना करनी थी, नरेंद्र मोदी जी को कहते दुनिया का भ्रष्टतम प्रधानमंत्री है, आप कहते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का फासिस्टों का भी फासिस्ट है, कहते। लेकिन कल मैं कहूं गांधी सरनेम के जितने लोग हैं वो देशद्रोही हैं, तो क्या मैं महात्मा गांधी को गाली दूंगा? क्या मैं उस गांधी को गाली दूंगा जो एक गरीब परिवार में पल रहा गांधी सरनेम का बच्चा होगा? मैं राहुल जी से निवेदन करता हूं, अपने स्पीच राइटर को कहें कि स्पीच थोड़ा ठीक से लिखें। एक और नेहा जी मैं बात यहां कहना चाहता हूं, अभी शोभा जी बैठी हुई हैं, राहुल जी ने एक दो महीने या तीन महीने पहले एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिदायत दिया था कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर अपमानजनक बातें ना कहें और हम अपने विमर्श की भाषा को नहीं गिराएं। मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा कि राहुल गांधी चाहे जिस कॉर्नर से एक आवाज तो आई, चूंकि देश में विमर्श की भाषा गिरी है, उसके लिए सब कोई जिम्मेदार है, सब कोई जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूं, मैं भी कभी कभी अनाप शनाप बातें कर लेता हूं, तो मैंने कहा। और आज राहुल गांधी ने अपनी ही बातों को उलट दिया, एक सम्मान जो उन्होंने अर्जित की थी। मैं और अब मैं आना चाहता हूं आरएसएस पर। राहुल जी आप क्या कर रहे हैं? एक प्लेटो एक थिंकर था, उसका एलेगोरी ऑफ द केव है, एक कहानी है, अपनी इमेज में ही अपना देखते हैं, विरासत की आईने में कब तक देखेंगे? गांधी परिवार बड़ा है, नेहरू जी थे, इंदिरा जी सब थे। मैं वो आरएसएस वाले आरोप पर आगे आऊंगी, राहुल गांधी जो बोले हैं वो बाइट भी हम सुनाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी के महाअधिवेशन में हम आपको बता दें राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, तीखे वार किए, नीरव मोदी और ललित मोदी को लेकर किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, सुनिए। 4 साल पहले हिंदुस्तान के युवा ने सोचा मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मिलकर मोदी जी के साथ हिंदुस्तान को बदलने का काम करूंगा। पता लगा मोदी जी की गाड़ी को धकेला, गाड़ी स्टार्ट हुई, युवा देखते रह गए, एक तरफ नीरव मोदी बैठा, दूसरी तरफ ललित मोदी, और गई गाड़ी। और युवा देखता रह गया, ये हुआ क्या भैया? मैंने तो बदलाव की बात की, मैंने गाड़ी को धकेला, एक तरफ राफेल हवाई जहाज, दूसरी तरफ अमित शाह जी का पुत्र। और मोदी जी हाई स्पीड गाड़ी में फटाक से गए अमेरिका। तो वो दीवार तोड़नी है। और मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप ये स्टेज देखो, बाकी सब राजनीति। आपने सुना नीरव मोदी और ललित मोदी को लेकर कैसा तीखा प्रहार किया। रशीद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कार्यकर्ता ताली बजाएंगे, वो बजाएंगे क्योंकि राहुल गांधी वो बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस सुनना चाहती है और कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी सुनना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि जनता के बीच ग्राउंड जीरो पर भी राहुल गांधी ये बात आज से नहीं, लगातार स्कैम्स की बात या ललित मोदी वाली बात, नीरव मोदी वाली बात जब से मामला सामने आया कहते रहे, जनता के बीच भी इसके खरीदार मौजूद हैं या नहीं है जो राहुल गांधी वार कर रहे हैं? देखिए नेहा, ये तो आने वाला समय बताएगा जब राज्यों में चुनाव होंगे और वहां पर ये तमाम मुद्दे। पर अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, राहुल गांधी जीत का मंत्र दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को, लेकिन गोरखपुर और फूलपुर में उनके दोनों कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। जी वो बिल्कुल बात अपनी जगह है, इसलिए कांग्रेस विपक्ष में है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है आज का कि जो कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर संदेह है और बहुत सारे लोग उनकी भाषा शैली को और जो उनकी बात करने का तरीका है उसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठाते रहते थे। क्या वो उस इम्तिहान में कामयाब रहे? एक कुछ लोगों को लगा कि उन्होंने जिस तरीके का भाषा का जो इस्तेमाल किया वो शायद करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। हमारे जो राजनीतिक मित्र हैं उन्होंने उस पर अपनी टिप्पणी दी। बात यह है कि 2014 के चुनाव में भी हमने देखा किस तरह की बातें की गई और देखिए उसमें तमाम दल दोषी है, तो ये राजनीति का जो एक राजनीतिक शिष्टाचार जो होता है उसका स्तर गिरा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बारे में उससे पहले भी जब बोफोर्स का मामला उठा था तमाम तरह तरह की बातें कही गई। मैं आज शुभ दिन के अवसर पर ऐसी कोई कड़वी बात कहना नहीं चाहता लेकिन तमाम बातें हुई
हैं। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जो है वो राहुल गांधी को गंभीरता से लेने लगेगी और उसकी एक राहुल गांधी की एक अपनी लीडरशिप की शुरुआत है। आगे वो कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। समित बहुत जल्दी से मुझे संक्षेप में बताइए, उन्होंने कहा कि आम युवा ठगा गया, गाड़ी को धक्का दिया, वो गाड़ी फुल स्पीड से भागती है और उसमें दो घोटालेबाज देश छोड़कर भाग जाते हैं। ये तो सही है ना, घोटाला जिसके भी वक्त में हुआ हो, भागे वो आप ही की सरकार में, और राहुल लगातार उसी बात को जनता के बीच पहुंचा रहे। देखिए ललित मोदी उनके वक्त भागा था, विजय माल्या के खिलाफ एक भी केस इन्होंने किया नहीं था, जबकि पूरा का पूरा लोन विजय माल्या को उन्होंने अपने समय में दिया था। नेहा जी आप इस देश की मूर्धन्य एंकर है, आप भी जानती हैं कि ये सब जो भगोड़े हैं, ये सब जो करप्ट लोग थे, विजय माल्या हो या ललित मोदी हो या नीरव हो या फिर ये मेहुल चोकसी हो, इनको आप देखिए, इससे पहले 2014 से पहले इनका क्या था, 2014 से पहले ये कैलेंडर छापते थे, बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें स्वयं राहुल गांधी जाते थे। 2013 में तो नीरव मोदी के पार्टी में खुद राहुल गांधी ने जाके इनॉग्रेट किया है। आज उनकी हालत क्या है, उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए हैं, आज उनके जीवन में एक प्रकार से आघात चुका है देश में। और मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का जो भ्रष्टाचार है वो आप लोगों के कार्यकाल में भी हुआ है, ये तो स्टेटेड है सर, ये तो फैक्ट्स में बाहर आया है, 2011 से शुरू हुआ, उसमें शक नहीं है, आपके वक्त में भी आया ना, एलओयू साइन हुए, एलओयू जो इशू हुआ है 2008 से हुआ है। देखिए देखिए नेहा जी, इन सब विषयों पे हमने विस्तार पूर्वक बहुत सारी चर्चाएं की है, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, आज के प्लेनरी सेशन में आप जो कह रहे थे राहुल गांधी जी ने प्राण फूंक दिए कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं में, नहीं पहले प्राण पीस सूख लीजिए, पहले प्राण को चूस लेते हैं फिर प्राण फूंकने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड तो देखिए, आखिर कब तक हम राहुल गांधी पर डिबेट करते रहेंगे कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे सक्सेस। अरे भैया राहुल गांधी ऐसी क्या चीज है कि हम सब एकदम पलक पावड़े बिछा। मैं आपका इस पर एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, संबित कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड देखिए आप राहुल गांधी का, कुछ दिखाने को भी तो हो, देखिए जिसको जनता के बीच रखे आप, 10 सेकंड में पढ़ देता हूं। राहुल गांधी तुरंत आती हूँ सर, बहुत वक्त मिलेगा, ये 10 बजे तक हमारी डिबेट चलेगी, अभी बहुत सारे इल्जाम आरोप प्रत्यारोप रहेंगे सर। 4 साल में आपने कितनी लोकसभा हारी है वो तो गिन लीजिए, 4 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, अच्छा मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा, मेजोरिटी पाने के बाद आप कितनी लोकसभा हारे हैं, जो जो फूलपुर जो गोरखपुर, अच्छा। आपके पास लगातार सालों से था, जो गोरखपुर मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसमें आप जिस तरह से हारे हैं, इसके बावजूद कि डीएम द्वारा आपने वहां भी धांधली कराने की पूरी कोशिश करी, उसके बावजूद जो शर्मनाक हार बीजेपी की हुई है, उसके पहले पंजाब, उसके पहले राजस्थान के 2 लोकसभा, उसके पहले मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा, ये तमाम हारे मोदी जी के नेतृत्व में हुई है, आप राहुल गांधी जी की रिपोर्ट कार्ड की क्या बात कर रहे हैं। हम नहीं, तो शोभा जी, मैं राहुल गांधी के रिपोर्ट कार्ड पर भी आऊंगी, क्योंकि आप लोग जनता को भरोसा दे रहे हैं कि 2019 में आप लोग सत्ता में आएंगे, जनता कितना भरोसा जता रही है उस पर मैं आऊंगी। राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा पर भी हमला किया, ये कहकर कि कांग्रेस के नेता जब जेल गए थे तब आजादी की लड़ाई में आरएसएस नेता अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे और अब उनकी कोशिश देश की सभी संस्थाओं को खत्म करने की है। Gandhi ji spent 15 years in jail and died for India. But India must never forget that when our leader was sleeping on the floor in a British jail, their leader, Mr. Savarkar, was writing a letter begging the British for mercy. सावरकर अंग्रेजों से दया के लिए खत लिख रहे थे। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, कैसे जवाब देंगे आप राहुल गांधी के इस बड़े आरोप का? देखिए एक बात तो मैं राहुल जी को बता दूं कि नेहा जी आप जानते होंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी 3 दिन की संघ की बैठक मार्च में 9-10-11 तारीख को नागपुर में हुआ और पिछले एक साल से, पिछले प्रतिनिधि सभा से लेकर अभी तक प्रतिनिधि सभा में राहुल जी ओवैसी साहब से लेते हुए सीताराम मिश्री जी ने संघ और संघ की विचारधारा पर कितनी बातें कही। मैं 30 सेकंड में बताता हूँ, रिजोल्यूशन पास हुआ, सर कार्यवाह का भाषण हुआ, सर संघ चालक जी बोले, कहीं पर भी किसी पार्टी का किसी नेता का नाम नहीं था,
32,000 स्थानों पर 59,000 शाखाएं लगती हैं, 1,60,000 प्रोजेक्ट हम चलाते हैं। पीढ़ियों से हजारों लोग घर द्वार छोड़कर काम, न किसी मस्जिद को तोड़ने के लिए, न किसी चर्च पर अटैक करने के लिए, न किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, न किसी प्रधानमंत्री बाहर करने के लिए करते हैं। संघ को समझना है राहुल जी, तो आप पट्टा भी सीतारमैया का मैं उदाहरण देता हूँ, मैं आपका क्या जवाब दूँ। पट्टा भी सीतारमैया कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, कानपुर गए, संघ के खिलाफ नारा लगा, 1950 की घटना है, शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए, कहे संघ पहले माफी मांगे कार्यकर्ता, मैं शामिल होऊंगा। अब मैं आता हूँ विचारधारा पर अटैक का। एक छोटी सी बात कह दूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर क्या विरोध, जिसको एंटी आरएसएसिज्म एक शेल्टर बन गया है अवसरवादी राजनीति का, इसके नाम पर किसी के साथ वो जुगलबंदी कर सकते हैं। और राहुल गांधी संघ विरोध में अपने राजनीति की संजीवनी ढूंढ रहे हैं, तो मैं उनको गलत फहमी दूर कर। शोभा जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। हिंदुत्व की जो प्रोफेसर राकेश सिन्हा कह रहे हैं, आरएसएस के विरोध में राहुल गांधी अपने लिए राजनीतिक संजीवनी ढूंढ रहे हैं, विरोध करके आप कांग्रेस को जीवित करने के लिए आरएसएस का विरोध कर रहे हैं, इतना डर क्यों आरएसएस से, पूछ रहे हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा। देखिए, आरएसएस का विरोध करके हमें राजनीतिक रोटी सेकने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे देश में मुद्दों की कमी नहीं है। आरएसएस का रोल क्या रहता है, कितने आरएसएस के लोग आजादी के पहले भी कहां कहां माफी मांगते अंग्रेजों से दिखे गए, कहां मुखबरी करते दिखे गए, और आजादी के बाद भी आरएसएस का क्या रोल रहा, दंगों फसादों में सांप्रदायिक जहर फैलाने में क्या रोल रहा, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आरएसएस की विचारधारा ही थी जिसने गांधी जी के प्राण लिए और जिस तरह से इस देश को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आज तक हम देख रहे हैं लगातार जब से देश आजाद हुआ है कि आरएसएस की क्या भूमिका रही है। और कहने को ये कहते हैं कि आरएसएस एक कल्चरल विंग है, और सब जानते हैं आरएसएस को क्यों बैन किया गया था, सरदार पटेल ने एज ए होम मिनिस्टर क्यों बैन किया था आरएसएस को। ठीक है, इस पर जी संबित, आरएसएस ने लगातार इस देश में कब क्या किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं बोल सकता हूँ, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है और यही प्रोपेगेट कर रही है कि आरएसएस का एजेंडा देश भर में फैला हो जाता है, बाकी संस्थाएं खत्म करके सिर्फ आरएसएस का मंडल में आ जाता है। आपका जवाब फिर मैं, अरे आपने कहा था बीच में नहीं बोलना है, फिर बीच में बोलना शुरू हो गया, आप बोलिए, आपको सुनते ही शांत हो जाएंगे। काम करता है, आप अपने नियमों को नहीं पालन कर रही हैं। हां जी, नहीं नहीं, सभ्यता बोलना शुरू कीजिए। देखिए, वो शांत हो गई, आप बोलिए तो सही। देखिए नेहा जी, मैं आपको नेहा जी मैं इतना बता दूं, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, बहुत छोटा सा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछूंगा, क्योंकि रोज शाम और सुबह ये हमसे पूछते हैं कि हम तो जो है 1947 में हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए 47 से मैं अभी आ जाता हूं, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, सोनिया गांधी जी और उनका परिवार, उनके माताश्री, उनके पिताश्री, उनके भाताश्री, भारत के कौन से जिले से भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। सोनिया जी नहीं लड़ रही होंगी तो उनके पिताश्री लड़ रहे होंगे, उनकी माताश्री लड़ रही होंगी। जहां तक मेरी जानकारी है वो यूरोपियन है, और उनके परिवार के खिलाफ अर्थात यूरोप के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे। खुद इनके संजय निरुपम जी ने कांग्रेस दर्शन में लिखा कि सोनिया जी का परिवार मुसोलिनी के परिवार से जुड़ा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो इस देश की बहू जो कि एडिटर है कांग्रेस दर्शन के, उन्होंने बीच में, मैं नहीं बोला, यहाँ का कानून नहीं है बीच में बोलना। नेहा जी, बीच में नहीं बोलना है, अगर इस प्रकार डिबेट होगा तो मैं भी बीच में बोलूंगा, बीच में कोई नहीं बोलता। धन्यवाद। देखिए, खुद इन्होंने लिखा कि मुसोलिनी के परिवार की, रुकिए, नेहा जी, इस प्रकार नहीं होता है डिबेट। आपने कानून बनाया है, सबको पालन करना होगा। नहीं नहीं, ये इस प्रकार, नेहा जी, इस प्रकार नहीं होता है। आप बोलते रहेंगे तो वो अपने आप सुनेंगे आपको। नहीं नहीं, सबके लिए सर, मैंने ये थोड़ी किसी का नाम लेके थोड़ी का यही फॉलो करेंगे। वो बोलेंगे तो मैं भी ऐसे ही बोलता रहूंगा। क्लास में रूल्स बताए जाते हैं, लेकिन अब कौन स्टूडेंट माने कौन ना माने, ये तो फिर स्टूडेंट के विवेक पे भी निर्भर करता है ना। आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ। जब आप बोल रहे हैं वो सुन रही हैं आपको, इंटरजेक्ट कर रही हैं, तब भी बोलते तो कैसे होगा। वो राहुल जी भी वैसे ही स्टूडेंट है, ये भी वैसे ही स्टूडेंट, आप नहीं है ना वैसे संबंध की बात पूरी कीजिए। हाँ, तो हम अच्छे स्टूडेंट हैं। नहीं नहीं, हम अच्छे स्टूडेंट है, सुन लीजिए, मैं इतना कह रहा हूँ। ये कह रही है कि सोनिया जी तो बहू है देश की, इसलिए उनके लिए ऐसा मत कहिए। तो ये वीर सावरकर जी और आरएसएस के जितने लोग हैं, ये देश के बेटे नहीं है। इनके लिए आप 24 घंटे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे? मैं आपको कहता हूं, आप आज लिख के दीजिए सोनिया जी उनके परिवार कहां से लड़ रहे थे,
ये रोज हमको गाली देना बंद करिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, संबित जी, शोभा जी, आप दोनों ने अपनी बात कही। सर देखिए, 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं, वो लोकसभा चुनावों में ये बहुत जरूरी है कि हम मुद्दों पर आए। आप लोगों ने क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चला, इस पर मैंने आप दोनों को बात रखने का मौका दिया। शोभा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारा टॉपिक जो डिबेट का है वो ये है कि क्या 2019 के लिए राहुल गांधी तैयार है, क्योंकि आज अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। मुझे ये बताइए, राहुल के आने के बाद कांग्रेस पार्टी को मिला क्या है? ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश से आता है। अभी आप गोरखपुर सीट का हिसाब बीजेपी को दे रही थी, पलट के आपसे भी सवाल हो सकता है कि फूलपुर सीट पर जवाहरलाल नेहरू लगातार दो बार चुनकर आए, आज आप लोगों की हालत यह हो गई है कि वहां पर आपकी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट में अभी चुनाव होता है, नागालैंड और त्रिपुरा में आप लोग जीरो स्कोर करते हैं, मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी होकर के भी आप अपनी सरकार नहीं बना पाते, पश्चिम बंगाल के बायपोल्स में आपका कैंडिडेट जमानत जब्त कर जाता है, ओडिशा में आप तीसरे नंबर पर आते हैं, देश भर में चार जगहों पर आपकी सरकार। अब मुझे ये बताइए, ये रिपोर्ट कार्ड जब राहुल गांधी जनता को दिखाएंगे तो जनता कहेगी भाई ऐसी परफॉर्मेंस पे कहां तक जाएंगे आप? किस विश्वास के बल पर कांग्रेस ये कह रही है कि 2019 में हम बीजेपी को जीतने नहीं देंगे? मैं ये जानना चाहती हूं आपसे। नेहा जी, आपने एक पक्ष दिखाया, आप भूल गई राजस्थान में तीन चुनाव हुए थे जिसमें तीनों में कांग्रेस जीती थी, दो लोकसभा एक विधानसभा। मध्य प्रदेश में दो उपचुनाव हुए थे, विधानसभा के दोनों में कांग्रेस जीती, यह आप भूल गई। और आपने शायद राहुल जी को सुना नहीं, जब हमारी जमानत जब फूलपुर में और गोरखपुर में हुई तो राहुल जी ने ये एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हमें यूपी में कड़ी मेहनत की जरूरत है, हमें जमीन पे जाके स्क्रैच से शुरुआत करने की जरूरत है, कहीं हम झूठी शान नहीं मारते, जहां हमारी कमजोरियां हम जानते हैं और उस कमजोरी को सुधारने के लिए फिर से हम जुटने को तैयार हैं, हम कहीं झूठा प्रचार नहीं करते। वहीं भारतीय जनता पार्टी तो लगातार ये बताने की कोशिश करती रही यूपी में जब दो चुनाव। ठीक है शोभा जी, मैं देती हूँ आपको, लोकसभा बायपोल्स में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया है, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि एक पार्टी के पास 21 राज्य है देश के और दूसरी पार्टी जो कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नाम से जानी जाती है कांग्रेस पार्टी, वो आज चार जगहों तक सीमित हो गई है। मेरा सवाल सिर्फ इसको लेकर था। लोकसभा बायपोल्स की बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उस बात पर मैं कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं करूंगी। रशीद जी, जल्दी से आपका जवाब, मैं फिर आऊंगी शोभा जी आपके पास। एक मिनट मैम, देखिए बात समझते कि ये है, आज राहुल गांधी ने अपने ऐसे उग्र तेवर क्यों दिखाए? देखिए कांग्रेस में एक थोड़ा सा कांग्रेस वालों को एक अपना कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, क्योंकि चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। अब जैसा आपने बताया 21-22 राज्य उनके हाथ से निकल चुके हैं, तो ये राहुल गांधी ने और तरह तरह के एक जो अभी जो फूलपुर और गोरखपुर का रिजल्ट आया उससे बसपा सपा सबकी उम्मीदें जो जिसे हम तीसरा मोर्चा कहते हैं बढ़ गई है। तो कांग्रेस को एक अपना कांग्रेस को एक अपने लीडर को एक पिच करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की शख्सियत आप जानते हैं। तो राहुल गांधी ने आज उग्र तेवर अपनाए, संघ पे हमला किया, भाजपा अध्यक्ष के बारे में बात करी, प्रधानमंत्री के बारे में बात करी, वो अपने आप को एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये बात वो कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन में कहा कि वो अपनी पार्टी में बड़े बदलाव करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच की दीवार को तोड़ने वाले हैं, युवाओं को मौका देने वाले हैं और इसीलिए कांग्रेस का स्टेज उन्होंने खाली छोड़ा है। वो जो पीछे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं उनमें ऊर्जा है, शक्ति है, देश को बदलने की शक्ति है, मगर उनके बीच में और हमारे नेताओं के बीच में एक दीवार खड़ी है। मेरा पहला काम उस दीवार को तोड़ने का होगा। मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप ये स्टेज देखो, बाकी सब राजनीतिक संगठनों की ऐसी मीटिंग आप देख लो, आपको किसी भी मीटिंग में ऐसा खाली स्टेज नहीं दिखाई देगा। हिंदुस्तान के युवाओं जो कांग्रेस पार्टी में हैं और बाहर हैं, ये स्टेज आपके लिए मैंने खाली किया है।
तो संगठन में बदलाव के बड़े संकेत देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, संबित जी मैं इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं आप बाकी पार्टियों का, और जाहिर सी बात है जब बाकी पार्टियों की बात करते हैं तो बीजेपी की बात तो वो सबसे पहले करते हैं, ऐसा मंच नहीं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की राहुल गांधी की ये कोशिश? नहीं, राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस का मंच आज बिल्कुल खाली है। ऐसा खाली मंच आज किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, केवल मंच ही खाली नहीं है, बहुत कुछ खाली है। मगर एक विडंबना देखिए, उस खाली मंच पे अकेला व्यक्ति जो खड़ा होकर कह रहा है कि दीवार को गिराना होगा और साधारण कार्यकर्ता को प्रमोट करना होगा कांग्रेस में, वो कौन है? वो राहुल गांधी है। 2004 में जब उनकी माताश्री सोनिया जी उनको पार्टी में लाते हैं तो पहला काम वो करती हैं कि टिकट देके अमेठी से चुनाव लड़वाती हैं। 2007 में बिना किसी अचीवमेंट के जनरल सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। 2013 में बिना किसी अचीवमेंट के उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, और उसके बाद 27 इलेक्शन हारने के पश्चात उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। आप बताइए नेहा जी, आप और हम अगर इस प्रकार का परफॉर्मेंस दे रहे होते तो हमें आपको अपने न्यूज चैनल में, मुझे अपने पॉलिटिकल पार्टी में एक कदम आगे बढ़ने का मौका मिलता? मुझे लगता है आपको ये उत्तर पता है। शहंशाह स्टेज पे खड़े होकर गुर्राने से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अगर दीवार गिरानी है तो राहुल जी कल इस्तीफा दे दे प्रेसिडेंट के पोस्ट से और शोभा ओझा जी को वहां बैठा दे कि शोभा जी आपने मेहनत किया है ग्राउंड पे, जाइए, आप एक महिला है, कमान संभालिए, मैं इस्तीफा देता हूं, तब मैं मानूंगा कि दीवार गिर गई है। क्या शहादत का एक इतिहास है, मैं बताऊं संबित पात्रा जी, कांग्रेस में अमित शाह जैसे व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बना करते। शहादत कहां से आया? जिन पे मर्डर के केसेस हो, जिनको तड़ी पार किया गया हो, कांग्रेस का एक इतिहास है। छोड़िए, कांग्रेस के नेता वही आपको जो सवाल पूछा उसका उत्तर दीजिए। मर्डर कहां से बीच में आया? मर्डर पे मैं भी बोलूंगा अभी। वहां कांग्रेस में अमित शाह जैसे तड़ी पार नहीं बनते, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से, नेहा जी मैंने क्या पूछा इनसे? आपने अमित शाह को तड़ी पार और मर्डरर कहा ना? सुनिए, वाड्रा जी के, रॉबर्ट वाड्रा के पिता, रॉबर्ट वाड्रा की बहन, रॉबर्ट वाड्रा के भाई, इन सबको किसने मारा ये बताइए? क्या सोनिया जी और राहुल जी ने षड्यंत्र करके वाड्रा परिवार को नहीं बताया? सवाल संबित पात्रा का बदलाव पर था, संगठन के बदलाव पर था। ठीक है मैम, मैं आऊंगी आपके पास, उस पर मेरे ख्याल में जवाब रशीद जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। लेकिन उससे पहले संबित जी, जाते जाते वक्त कम है, मैं संक्षेप में चाहूंगी। आज अमित शाह पर बहुत बड़ा हमला बोला है उन्होंने, कहा जो अध्यक्ष बीजेपी में बन गए, कांग्रेस पार्टी ऐसा अध्यक्ष कभी नहीं बनाएगी। एक मिनट शोभा जी, आ जाऊंगी मैम आपके पास। ठीक है मैम, बोल लिया आपने, थोड़ा सा संयमित रहते हुए संबित को भी मौका देते। देखिए, जिस प्रकार का आक्षेप, झूठा आक्षेप अमित शाह जी के ऊपर लगाया गया, इन्होंने फ्रॉड किया था, केस कोर्ट में चला, कोर्ट ने उनको उन पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं पाया। मगर क्या यह हकीकत नहीं है कि सोनिया गांधी जी पर यह आक्षेप लगता आया है कि रॉबर्ट वाड्रा के पूरे परिवार को निपटा दिया गया, रॉबर्ट वाड्रा के पिता को, रॉबर्ट वाड्रा की बहन को, रॉबर्ट वाड्रा के भाई को मार दिया गया? क्या इसका आक्षेप सोनिया गांधी जी पर नहीं लगता है? तो क्या मैं सोनिया गांधी जी को मर्डरर कह दूं? आप खुद बताइए। आप केवल मेरी ये समझ नहीं आ रहा है, रॉबर्ट वाड्रा के पिताजी को किसने मारा? रॉबर्ट वाड्रा के पिताजी को दिल्ली के होटल में लास्ट वर्ड जो है, आखिरी टिप्पणी सर वो आप ही को दूंगी, लेकिन उससे पहले रशीद किदवई जी, राहुल गांधी ने जो बातें आज कही हैं उस पे मैं जो डिबेट देख रही हूँ शोभा ओझा और समित जी के बीच, वो बार बार पर्सनल लेवल पर जा रही है। पर्सनल मतलब अपने नेताओं को लेकर, अपने नेताओं को डिफेंड करने को लेकर। प्रधानमंत्री को तो हम देश का प्रधानमंत्री मानेंगे, तो ये इस तरह से राहुल गांधी कैसे टक्कर लेंगे? इन मुद्दों पे क्यों उलझे हैं? इन मुद्दों पर इतना जोर किस लिए दिया गया? सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता जो सुनना चाहते थे वो डोज कार्यकर्ता को देने के लिए। नेहा देखिए, किसी भी आदमी के लिए किसी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना वो सबसे आसान काम है। मुश्किल काम जो राहुल गांधी ने कहा है कि ये मंच को युवाओं से भरेंगे, ये करेंगे, ये देखिए अभी उनको कार्य समिति को मनोनीत करना है, 12-12-24 सदस्य बनाने, यहां उनका टेस्ट होगा। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि जो यूपीए की पिछली सरकार थी उसमें कमियां रही, वो जितने आप अगर पहली पंक्ति में देखें तो
तमाम वही लोग बैठे थे, क्या राहुल गांधी ने किसी के खिलाफ कार्रवाई करी? या पहली जो चार पंक्तियों में आज कांग्रेस के अधिवेशन में जो लोग बैठे थे, क्या उनको पार्टी का महामंत्री या दूसरे पद नहीं दिए जाएंगे? तो ये तो कांग्रेस को इनसाइड आउट जानते हैं, यही मैं कह रहा हूँ। ये चीज जो है, देखिए जोश भरने के लिए बात कही जाती है, अभी दो चार दिन में हमें उसका जवाब मिलेगा कि राहुल गांधी क्या करेंगे। मेरे पास वक्त खत्म हो गया 10 सेकंड में, प्रोफेसर राकेश सिन्हा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन 10 सेकंड में आपका कंक्लूडिंग रिमार्क मैं चाहूंगी। राहुल गांधी 2019 के लिए तैयार है क्या? देखिए राहुल गांधी के बारे में जिन्होंने दीवार तोड़ने की बात कही, असम में जो बीजेपी ज्वाइन किए हिमंता बिस्वास, उनका इंटरव्यू पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या कहा था। राहुल जी से मिलने गए थे, राहुल जी ने उनको कितना महत्व दिया और अपने पेट को कितना महत्व दिया, कुत्ते को कितना महत्व दिया, जिसके कारण एक महत्वपूर्ण नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गया। तो राहुल गांधी पहले इंट्रोस्पेक्शन कर ले, संघर्ष करें और जमीन पर संघर्ष करें तो शायद पार्टी बन सकती है। ठीक है, चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। इस चर्चा को मैं खत्म करना चाहूंगी। सुरेंद्र शर्मा साहब ने एक बात कही है जिसे हमारे एक दर्शक विवेक शर्मा कोट कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है राजा कौरव हो या पांडव, क्योंकि ये बात खुद राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो द्रौपदी है, कौरव राजा हुए तो चीरहरण की जाएगी, पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। बड़ी बहस देख रहे थे आप, वक्त हमारे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा जी, शोभा ओझा जी, रशीद किदवई जी और प्रोफेसर राकेश सिन्हा आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।